लक्ष्य कठिन हो तो पाने में मजा आता है, हिम्मत की हद से टकराने में मजा आता है, समंदर की अथाह गहराई पसंद है मुझे, आसमान की अनंत ऊंचाई पसंद है मुझे, समय बदलता के साथ जीत जाने में मजा आता है। मंच पर बोलने की कला, आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, और केवल एक टॉपिक नहीं, मैं तीन टॉपिक आपको ऐसे देने वाला हूं जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके रख देंगे, और वो है मंच पर बोलने की कला। एक अकेली ऐसी कला है, हर व्यक्ति को ये जरूरत है कि वो मंच पर नहीं लेकिन बोलने की कला जरूर सीखे। ध्यान रखिएगा, एक बच्चा 11 महीने की उम्र से बोलना शुरू करता है और अपने जीवन काल में मृत्यु के निकट समय तक बोलता है, लेकिन बोलना क्या है ये उसको नहीं पता होता, बोलना कैसे है ये उसको नहीं पता होता। मात्र आपके शब्दों की ताकत आपका वर्तमान बदल के रख सकती है, और मात्र आपके बोलने की ताकत आपके भविष्य का निर्माण कर सकती है। कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहता हूं, और ध्यान रखिएगा, जब आप उन चीजों का इस्तेमाल अपनी लाइफ में करेंगे तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है। क्या है ये फेस इंप्रेशन, कोई बता सकता है? एनीवन? ये फेस इंप्रेशन क्या शो कर रहा है? आई कॉन्टैक्ट, एटीट्यूड शो कर रहा है, और एटीट्यूड भी दो तरह का होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव, और क्वेश्चन बेस्ड। किस तरह का ये पसंद नहीं आया ऐसी बात के लिए है, जैसे कोई बात कही है और उसको पसंद नहीं आई है, फाइन। ध्यान रखिएगा, शब्दों की ताकत से ज्यादा ताकत बॉडी लैंग्वेज की होती है, और जो लोग बॉडी लैंग्वेज की ताकत का इस्तेमाल करते हैं वो अपने क्लाइंट्स के साथ कई गुना ज्यादा बिजनेस ग्रैब करते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करने से पहले आपको अपनी एबिलिटी को दूसरे व्यक्ति के सामने रखना होता है। क्लाइंट जितना छोटा होगा प्रोडक्ट आगे करने की संभावना उतनी ज्यादा होगी, और क्लाइंट जितना बड़ा होगा आपकी एबिलिटी ज्यादा काम करेगी। जितने लोग यहां पर शॉप, शोरूम, फैक्ट्री चलाते होंगे वो ये जानते होंगे, छोटा ग्राहक आता है तो फैक्ट्री दिखा के प्रभावित कर देते हैं, शॉप दिखा के प्रभावित करते हैं, प्रोडक्ट दिखा के प्रभावित करते हैं, लेकिन एक जब बड़ा क्लाइंट आपसे डील करना चाहता है तो आपके सेटअप पर आता ही नहीं है। वो कहता है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू डील विद मी कम टू माई ऑफिस, और आप अपना प्रोडक्ट लेके जाते हैं और प्रोडक्ट को आगे रखकर उसके पीछे छुपना चाहते हैं, लेकिन वो व्यक्ति आपके प्रोडक्ट से नहीं आपसे बात करना चाहता है। यदि वो आपसे प्रभावित है तभी वो व्यक्ति आपके साथ डील करने के लिए तैयार होगा। प्रोडक्ट बड़ी डील्स में हमेशा सेकेंडरी हो जाता है। यस और नो? मोस्ट ऑफ द टाइम बड़े बिजनेसेस में जब आप बड़े क्लाइंट के साथ डील करते हैं तो आपकी पर्सनल एबिलिटी ज्यादा काम करती है इन कंपैरिजन ऑफ योर प्रोडक्ट। और कई बार अगर ग्राहक को वो प्रोडक्ट लेना ही है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी भी हो, वो छोटा क्लाइंट आपसे मटेरियल लेकर जाएगा। सबसे पहली बात, ये फेस इंप्रेशन क्या शो करता है? क्या शो करता है? एग्रेसिवनेस, गुस्सा। और ये क्या शो करता है? सरप्राइजिंग, सरप्राइजिंग नॉट, क्वेश्चन बेस्ड, जैसे समझ नहीं आया। और एक टीचर अपने क्लासरूम में बच्चों की शक्ल देख के समझ जाता है कि इसको समझ नहीं आया, और उसी क्वेश्चन के आंसर को दोबारा रिपीट करता है। एंड दिस क्या शो करता है? डाउटफुल, समझ नहीं आया। एंड दिस, तो एक बात बताएं, अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं और आपको मात्र हिंदी आती है, आप चाइना चले जाते हैं वहां पर चाइनीज लैंग्वेज है, तो क्या आप चाइनीज में समझ पाएंगे? क्या आप समझ पाएंगे? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं सर चाइनीज तो आती है मुझे। जर्मनी चले जाते हैं और जर्मन लैंग्वेज में कोई व्यक्ति आपसे बात करता है, आप समझ पाएंगे? तो आप पानी कैसे मांगेंगे? आप पानी कैसे मांगेंगे? प्लीज टेल मी, बताएं पानी कैसे मांगेंगे? इशारा करेंगे पानी का? मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन का काम करती है। यस और नो? आपने इशारा किया, वो समझ गया यू नीड वाटर, और वो अपनी लैंग्वेज में कुछ और बोलेगा, फिर कहेंगे पानी, ठीक है, दैट्स यस और नो। लेकिन अगर कोई ब्लाइंड व्यक्ति है, उसको कैंची चाहिए, तो वो कैसे मांगेगा?
हाँ वेरी गुड, दोबारा बताओ किस किस ने अभी ऐसे किया था? वो बोलेगा कैची चाहिए यार, वाइन। हाँ जी, और ये क्या शो करता है? हैप्पी, मतलब आपने जो बात बताई है वो बिल्कुल ठीक से समझ में आई है। एंड ये सारी जो बॉडी लैंग्वेजेस है ना, ये आपके बिजनेस में, आपके प्रोफेशन में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी सोशल लाइफ में, आपके सर्कल को डेवलप करने में, आपके रिलेशन को बिल्ड करने में, आपकी बिजनेस डील को टॉप लेवल तक ले जाने में, आपके कंज्यूमर को प्रभावित करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ तक कि सोशल लेवल पर भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और यहाँ तक कि पर्सनल रिलेशन में भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे एक शब्द आप किस टोन में बोलते हैं, किस टेम्पो में बोलते हैं, किस स्टाइल में बोलते हैं, वो ये बता देता है कि सामने वाले को समझ क्या आया है या वो क्या कहना चाहता है। एक शब्द मैं आपको बताऊं, अच्छा। अच्छा मतलब अच्छा, अच्छा। अब इस अच्छा को कितने तरीके से बोल सकते हैं? जैसे मतलब कोई समझा रहा है और आपको लगता है तू मुझे समझाएगा, तो क्या कहेंगे? अच्छा। अच्छा, कई बार ऐसा हुआ कि आपको एक ऐसी बात बताई गई जो आपको नहीं पता थी, तो आप कैसे बोलेंगे? अच्छा। आप समझ रहे हैं, शब्द एक ही है। तो अंतर किस बात का है? आपकी टोन क्या होगी, आपका टेम्पो क्या होगा, और आपका फेस इंप्रेशन क्या होगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी। यस और नो? तो हम बात करते हैं कुछ ऐसी टिप्स की जो आपको ये समझा देगी कि यदि इन सिद्धांतों का अनुकरण मैंने लाइफ में किया तो मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है। नंबर वन, परसेंटेज के हिसाब से एक पिरामिड दिखाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि किस तरह से आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, 5% क्या है? आपकी जो बात है यदि आपने लेक्चर की तरह डिलीवर की है तो वो 5% ही किसी व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। जबकि रीडिंग, कोई बात मतलब जो हम लेक्चर के रूप में सुनते हैं, केवल 5% बात ही हमें याद रह जाती है। लेकिन अगर कोई बात हम पढ़ते हैं तो लगभग 10% से ज़्यादा बात हमें याद रह जाती है। लेकिन जो बात हम ऑडियो के रूप में सुनते हैं, आवाज़ के रूप में सुनते हैं, 20% से ज़्यादा हमें याद रह जाती है। लेकिन यदि किसी चीज़ को हम डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से देखते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो उसका लगभग 30% हमें याद रह जाता है। लेकिन जब किसी बात को 50% डिस्कशन के रूप में समझते हैं, एक ग्रुप टॉक के रूप में समझते हैं, तो बात हमें लगभग 50% याद रह जाती है। और जब कोई बात प्रैक्टिस करके हम करते हैं तो वो लगभग 75% हमें याद रह जाती है। और जब कोई बात हम किसी दूसरे को सिखा कर सोचते हैं, समझते हैं, तो वो बात हमें 90% याद रह जाती है। ये निर्भर करता है कि आप किस तरह से अपने बिजनेस में किस बात को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। एंड द नेक्स्ट, बॉडी लैंग्वेज, जब एक कैलकुलेशन की गई कि वर्ड्स में, बॉडी लैंग्वेज में, कम्युनिकेशन स्किल में किसका कितना कितना रेशो है, तो पता चला कि 7% काम केवल शब्द करते हैं। किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए 7% काम केवल शब्द करते हैं, 38% वॉइस टोन मॉड्यूलेशन, किस तरह से आप करते हैं, किस टोन में बात करते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, और बाकी 55% बात बॉडी लैंग्वेज एंड फेस इंप्रेशन से होती है। यस और नो? एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप इन सभी चीजों को सीखते हैं, समझते हैं, तो आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं। ध्यान रखिएगा, बॉडी लैंग्वेज में गेस्चर, आई कॉन्टैक्ट, आपके स्माइल करने का तरीका, कई बार आपका कंज्यूमर आपको ऐसे प्राइस बोल देगा जो प्राइस आपकी कॉस्ट से भी नीचे होगी, और जैसे ही आपका फेस इंप्रेशन चेंज होता है तो आपकी डील क्लोज होते होते रह जाती है। जो लोग मार्केटिंग में होते हैं, सेल्स में होते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन सभी चीज़ों को सीखना, समझना और अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करना। नंबर वन गेस्चर, नंबर टू आई कॉन्टैक्ट। अभी प्रॉब्लम क्या है, जब हम किसी से बात करते हैं तो ठीक तरीके से आई कॉन्टैक्ट नहीं होता, और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि यहां जब आप किसी 1-to-1 मिलते हैं और आंखों में देखकर बात नहीं करते तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा
कम लगता है, देखने में कम लगता है. इंटरनली आप कितने भी कॉन्फिडेंट हो, तो सामने वाले व्यक्ति से जब बात करो तो आई कॉन्टैक्ट के साथ करो. ठीक उस तरह से जब एक ग्रुप में बात करो तो किसी व्यक्ति विशेष से बात मत करो. और जैसे आप देख रहे होंगे, लगभग बैठे हुए इस प्रांगण में हर व्यक्ति को लगता होगा कि मैं उससे पर्सनल बात कर रहा हूं, मैं उसकी तरफ देख रहा हूं, उसकी भाषा को समझ रहा हूं, उसके फेस इंप्रेशन को समझ रहा हूं, और उसको लगता होगा कि सर तो मुझसे ही बात कर रहे हैं. तो ग्रुप कम्युनिकेशन की स्टाइल एंड टेक्निक्स डिफरेंट हैं, और इंडिविजुअल लेवल पर बात करने के तरीके थोड़े डिफरेंट हैं. स्माइल हर व्यक्ति. अच्छा मैं एक बात पूछता हूं कि ये बताइए, मोस्ट ऑफ द टाइम घड़ी बनाने वाली कंपनी जब घड़ी की फोटो कहीं दिखाती है तो उसमें समय क्या होता है? उसमें समय क्या होता है? 10:10. और आप देख लीजिएगा, एक साइक्लिक सिस्टम में एक बात समझाई गई है कि हर व्यक्ति हंसते हुए व्यक्ति का चेहरा देखना चाहता है. हर व्यक्ति हंसते हुए व्यक्ति का चेहरा देखना चाहता है, रोते हुए व्यक्ति को तो उसके परिवार के भी नहीं देखना चाहते. कहते चुप जा, ठीक है, हंस रहा हो तो कहते हंस मत. ऐसा होता है कभी? लेकिन अगर वो रो रहा है तो वो रोते हुए उसके परिवार के बच्चे नहीं देखना चाहते, साथी नहीं देखना चाहते. तो घड़ी जब बेचने वाली कंपनी ने घड़ी पर रिसर्च की कि 10 घड़ियों में से सबसे पहले कौन सी बिकी, तो जाना गया, पता चला कि जिस घड़ी में 10:10 थे, जो साइकोलॉजिकल एक मैसेज देती थी कि आई एम स्माइलिंग, उस टाइम से एक सिद्धांत बना, अगर घड़ी को सक्सेसफुल तरीके से बेचना है तो उसका जो पोस्चर है वो स्माइलिंग होना चाहिए. और जब 5:40 होते हैं तो ऐसी घड़ी की फोटो कभी भी आपको कहीं नहीं मिलती है. यस और नो? तो इसका मतलब आप यदि अपने कंज्यूमर के साथ डील करते हैं तो आपकी स्माइली फेस होना चाहिए. टोन एंड वॉइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न. आपकी टोन क्या है, आपकी वॉइस क्या है, डायलॉग की डिलीवरी किस तरह से डिलीवर हुआ उस बात पर निर्भर करता है. और जो लोग टोन, टेम्पो, हर चीज को सुनते हैं, समझते हैं, और वॉल्यूम, मतलब जब आप बात करें तो किस वॉल्यूम में बात करें, उस वॉल्यूम से आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं. जैसे बहुत खास बात को बहुत धीरे से कहा जाता है लेकिन सुनाई वो पूरी देती है. यस और नो? जैसे लक्ष्य कठिन हो, छोटा सा लक्ष्य, उसकी वॉइस ओवर क्या होगी आप समझिए. आप देखेंगे जो प्रभावशाली एक्टर है, प्रभावशाली वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, वो वॉइस का भी इस्तेमाल करता है, टोन एंड टेम्पो का भी इस्तेमाल करता है, और अपनी भाषा से लोगों को समझा देता है कि वो क्या कहना चाहते हैं. और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है.